अगर आपने ये काम किया तो आपका तंत्र मंत्र काली शक्ति काली विद्या चौकी बंधन कुछ भी आपके ऊपर किसी ने किया हो कुछ भी किया कराया करा हो हर तरह का तंत्र मंत्र क्रिया चौकी बंधन आपका ज़रूर कटेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ बस पूरी शक्ति पूरी भक्ति और पूरी तन्मयता के साथ आपको ये कार्य करना है। देखिए बड़े से बड़े तंत्र मंत्र को जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो चौकी बंधन कर दिए जाते हैं जो आपके ऊपर किया कराया कर दिया जाता है उसको हम कैसे हटा सकते हैं कैसे दूर कर सकते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है और 90% लोग इसी सवाल से ग्रसित हैं कि भाई उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है किसी ने ईर्ष्यावश उनके ऊपर कराया कर दिया कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है कोई चौकी बंधन कर दिया है कोई जो है गंदी शक्ति छोड़ दी है। तो ये एक सवाल जो है बहुत बड़ा आता है और आज इसी सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं जवाब बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा से आज ये वीडियो बन रही है और मैं अब सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। होता क्या है कि देखिए चौकी बंधन और शक्तियाँ ये वो चीज़ें हैं कि जो तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं तो अच्छे भरे घर को बर्बाद कर देती हैं अच्छे भले चलते हुए काम को बर्बाद कर देती हैं अच्छे भले उगते हुए कहते हैं ना उगते हुए सूरज के ऊपर ग्रहण लगा देती हैं। आपका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है आपका काम धंधा सब अच्छा चल रहा है और ये एकदम से किसी ने जो है आपके ऊपर किया कराया कर दिया तांत्रिक शक्ति छोड़ दी बस हो गया ख़त्म काम ख़त्म। तो चलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप जिसको भी मानते हैं जिसको भी मानते हैं माता रानी को मानते हैं गुरु महाराज को मानते हैं भोले बाबा को मानते हैं विष्णु जी को मानते हैं हनुमान जी को मानते हैं जिसको भी मानते हैं उनका नाम लेके आप इस क्रिया को कीजिएगा इस उपाय को कीजिएगा आपका जो किया कराया है आपका जो तंत्र मंत्र है जो चौकी क्रिया है जो चौकी बंधन आपके ऊपर किया है वो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बस करना है पूरी श्रद्धा के साथ पूरी भक्ति के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको इससे छुटकारा मिलेगा। जय जय गुरु गोरखनाथ जय हो जारवीर महाराज की जय धाम आहार की जय बोले गुरु गोलर शक्ति शंभु महाराज की जय। तो सिद्ध बाबा की सदा ही जय हो और आपका स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज का पता चलता है हमारे आपके प्यार से आशीर्वाद से। तो प्यार आशीर्वाद बनाए रखें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम बात कर रहे हैं आज की तंत्र क्रिया वो कैसे हटाया जाए तंत्र मंत्र जो आपके ऊपर कर दिया जाता है तांत्रिक क्रियाएं कर दिया उनको कैसे हटाया जाए। तो चलिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसी कोई क्रिया को हटाने वाले हों तो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर कीजिएगा अपने आप को सुरक्षित कीजिएगा। वो कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है कि आपको गुरु बाबा के महाराज के नाम से आपको धुनी लगानी है। ठीक है धुनी कैसे लगाते हैं धुनी लगाने के लिए आपको बहुत प्यारा सा तरीका बता दे रहा हूँ। आपको कोई भी मिट्टी का पात्र लेना है कोई भी चौड़े मुंह का पात्र लेना है मिट्टी का उसमें आपको जो उपला बनता है ना करसी बनती है वो लेनी है। उपला करसी मतलब जो गाय के गोबर का भैंस के गोबर का उपला बनता है वो आपको लेना है और वो आपको अच्छे से लाल कर लेना है गैस के ऊपर या चूल्हे के अंदर जो भी आपके घर में अवेलेबल हो चूल्हा अवेलेबल हो चूल्हे में या गैस हो तो गैस में आपको बिल्कुल लाल कर लेना है पका लेना है उसको अच्छे से। जब वो बिल्कुल अच्छे से लाल हो जाए तब उसको हटा के वहाँ से आपको उस पात्र में रखना है जो मिट्टी का पात्र आपने लिया है उसमें रखने के बाद उसके ऊपर देसी घी की 5 आहुतियाँ छोड़नी है। ठीक है 5 बार देसी घी छोड़ना है बाबा के महाराज का नाम लेके आपको उसके ऊपर और उसके बाद आपको 5 आहुति सामग्री की छोड़नी है। इसमें एक ध्यान रखना एक जोड़ा लौंग भी छोड़ना है इसके अंदर। एक जोड़ा लौंग मतलब जो एक लौंग और एक लौंग दो लौंगों का एक जोड़ा होता है कम से कम एक जोड़ा जरूर छोड़े। ठीक है नहीं तो दो जोड़े छोड़े तो बहुत अच्छी चीज़ है पर एक जोड़ा लौंग जरूर छोड़ना है और 5 आहुति आपको सामग्री की उसके ऊपर डाल देनी है। अब एक बात ध्यान रखें मैंने इसमें यह नहीं कहा कि कहीं भी अग्नि देनी है आपको आपको ऐसे ही डालना है। उससे क्या होगा कि जब आप वो सामग्री वगैरह छोड़ देंगे उस धुनी के ऊपर और एक किसी भी गत्ते से या कपड़े से उसको ऐसे हवा दे देंगे ऐसे करके हवा दे देंगे जैसे पहले चूल्हे में हवा दिया करते थे ना। मुंह से हवा नहीं देनी है बस ध्यान रखिएगा मुंह से नहीं देनी गत्ते से हाथ से या कपड़े से किसी से ऐसे करके हिला के हवा दे देंगे। भाई साहब आपके घर में एक पवित्र धुआं हो जाएगा पूरे घर के अंदर एक पवित्र धुआं हो जाएगा
बाबा का नाम लेके उस पूरी कलसी को पूरे घर में आपको घुमाना है, ठीक है? केवल टॉयलेट वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ के पूरे घर में घुमाना है आपको। उससे क्या होगा कि पूरे घर में एक बहुत पवित्र धुआं होगा और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी तंत्र क्रिया है, वो अगर भागेगी भी नहीं तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी तंत्र शक्ति है, कोई भी तांत्रिक क्रिया है, कोई भी किया कराया है, कोई आसानी से तो हटेगा नहीं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आपकी ही को करनी पड़ेगी भाई, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, ठीक है? तो आपको पूरे घर में घुमाना है उसको और ऐसे ऐसे हिलाते रहना ताकि धुआं पूरे घर में हो जाए और आनंद के साथ आपके घर से जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। अब क्या करना है आपको, जो आप जब ये ठंडा हो जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो जो जो पात्र में पूरा बचता है उसको अच्छे से पीस लेना है, छान लेना है। छान के साफ साफ बबूत उसमें से निकाल लेनी है, बाकी जितना भी अंगा है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए हफ्ते भर का, दो हफ्ते भर का, और उसको जो है चलते पानी में सिला दीजिएगा। जो बबूत आपकी निकली है, जो बबूत आपने बना ली है, उस बबूत को आपको प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में डालना है। नहाने से पहले जब आपने पानी ले लिया एक बाल्टी, उसमें जो है थोड़ी सी बबूत डाल ली, एक चम्मच बबूत डाल ली, और उससे नहाना है। तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, आपका परिवार सिक्योर हो जाएगा। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, किसी भी तंत्र के दौर काटने के लिए, मंत्र के दौर काटने के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक आपको नींबू लेना है, ठीक है? उस नींबू को आपको आधा आधा काट लेना है बीच से, ठीक? और बीच से काटने के बाद उस नींबू के बीच में से सुई से धागा लाल डालना है और अपने जो मेन गेट है आपका, मेन दरवाज़ा जो है, उस दरवाजे के दोनों तरफ उस आधा नींबू और आधा कटा हुआ आधा आधा नींबू दोनों तरफ टांग देना है आपको। मेन गेट के दोनों तरफ आपको आधा आधा नींबू जो आपने काटा है, आधा नींबू एक तरफ और आधा नींबू एक तरफ, दोनों तरफ आपको आधा आधा नींबू टांग लेना है आपका, ठीक है? तो ये आपको काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रतिदिन जब तक भी आपके ऊपर ये जो कष्ट है, जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की हुई हुई है, ये जब तक इसका पूरा असर आपके ऊपर से नहीं हट जाता, तब तक प्रतिदिन आपको जो है क्या करना है कि एक लोटा जल लेना है। लोटा कैसा भी ले सकते हैं, स्टील का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें आपको दो चार चावल डालने हैं, सिंदूर या रोली जो लाल रंग की होती है ना, सिंदूर या रोली थोड़ी सी वो डालनी है आपको, और एक आधा नींबू काट के उसके अंदर निचोड़ देना है। क्या करना है, उसके अंदर निचोड़ देना है, उस पानी के अंदर निचोड़ देना है उस नींबू को, ठीक है? निचोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने महाराज से, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, जो भी हैं, आपको उनसे प्रार्थना करनी है, कि हे महाराज, हे गुरुदेव, हे ईष्ट महाराज, मैंने एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया की हुई है, जो बंधन किया हुआ है, उसको दूर करें, उससे हमें बचाएं, ठीक है? इस तरीके से आपको एक प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में आपको जो वो जो पानी आपने बनाया है, नींबू का जो पानी बनाया है आपने, जिसमें आपने रोली डाला है और थोड़े से चावल डाले हैं और आधा आपने नींबू निचोड़ा है, एक लोटा जल लिया आपने, ठीक है? वो लेने के बाद उसमें जो है, जो भभूत आपने बनाई थी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला ना भभूत बनानी है, जो आपने अपने नहाने के पानी डाली थी, आपको थोड़ी सी भभूत उस लोटे में डाल देनी है, उसको मिला लेना अच्छे से। जब वो मिल जाएगा आपको, तो उस जल को पूरे घर में छिड़कना है आपको, पूरे घर में थोड़ा थोड़ा ऐसे, पूरा ऐसा बिखेरना नहीं है, पूरा थोड़ा थोड़ा पूरे घर में छिड़कना है। और घर में छिड़कने के बाद जो लोटे में पानी बचता है बाद में, ठीक है, उसको अपने घर के गेट के बाहर फेंक दें, ठीक है? उसको घर के गेट के बाहर फेंक दें, ऐसे फेंक दें घर के गेट के बाहर फेंक दें। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है जब तक भी आपके ऊपर वो असर है। और जब आप ये कार्य करते हैं तो आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र क्रिया है वो बहुत, जो काली शक्ति होती है वो धीरे 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 क्षीण पड़ने लगती है। देखिए, कोई भी चीज़ है एकदम से तो उतरेगी नहीं। आप सोचो कि एक दिन आपने जल का कार्य कर दिया, नींबू टांग दिया, तो उससे कब कुछ आएगा? नहीं। और एक ध्यान रखिएगा, जैसे ही वो नींबू काला पड़ जाता है, जो आपने आधे आधे नींबू बाहर टांगे थे ना गेट पे,
जैसे ही वो काला पड़ जाता है आपको फिर से एक नींबू लेना है, काटना है और आधा आधा नींबू दोबारा से टांग देना है, जो पुराने वाले हैं उनको फेंक देना है, ठीक है, जो पुराने वाले आपने टांगे थे उनको फेंक देना है, आपको ये कार्य करना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अपने महाराज पर, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरे विश्वास के साथ इस कार्य को कीजिएगा तो ये काम आपका जो है पूरी तरीके से हो जाएगा, आपकी हर तरह की जो बंधन है, चौकी बंधन है, जो आपका कष्ट है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, सबको जवाब भी देता हूँ जितना भी मुझसे हो पाता है, और गुरु महाराज कृपा से जैसा भी मैं कर पा रहा हूँ सभी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी करने की। सवाल आपसे, एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल आपसे गुरु महाराज से रिलेटेड ही है, और वो सवाल ये है कि आप में से कितने लोग गुरु गोरखनाथ जी के किसी भी एक धाम पर, जो धाम गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध पीठ है, सिद्ध धाम है, उस एक धाम पर गए हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं, आप में से कितने लोग गुरु गोरखनाथ जी के किसी भी एक धाम पर जो सिद्ध धाम है उस पर गए हैं और दर्शन किए हैं, और आपको अपना नाम बताना है, कौन से धाम पर गए हैं आपको वो बताना है, बस दो चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। आप सभी मेरे बहुत अच्छे मित्र बनेंगे, बहुत अच्छे मित्र रहेंगे। चेला गोरख का हमेशा ये कोशिश करता है कि हम दूसरों के दुखों को दूर करने की जैसे भी कोशिश कर सकें हम दूर करने की कोशिश करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बाबा महाराज की जो कृपा है वो सभी पर बनती है, बस कोशिश करनी है आपको पूरी श्रद्धा से, भक्ति से और पूरी सजगता के साथ आपको कार्य करना है। तो गुरु महाराज सब पर मेरी कृपा बनाएं, इस कार्य को कीजिएगा, आपका कष्ट, आपका तंत्र जरूर से कटेगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय 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 श्री।